ओके, इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि TR, ये मेरा एक टेबल रो है पूरा के पूरा, ठीक है। इस पे जब मैं होवर करूँगा तो इसका जो नेक्स्ट TR है वो मुझे शो करना है। नेक्स्ट TR मतलब इसका कंटेंट, इससे रिलेटेड जो कंटेंट होगा वो हमको शो करना है इसी के होवर पे, जिसपे भी मैं होवर करूँगा तो वो मुझे शो करना है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं उसको एक स्पेसिफिक क्लास दे देता हूँ, सारे के सारे TR को जो अभी दिख रहे हैं, टेबल रो करके TBLROW, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं उठा के इसको यहाँ पर भी डाल देता हूँ, 1 2 1 यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक और टेबल डालता हूँ, मीन्स रो डालता हूँ, ठीक है। अभी सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है साउथ अफ्रीका करके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे कॉल स्पैन यूज करना है ताकि पूरी जगह ऑक्यूपाई कर ले। कॉल स्पैन कितना जाएगा, 3 3 6 7 7 लगेगा, ठीक है। अभी प्रॉपर एक रो जैसा हो गया। अब यहाँ पे मैं एक डेटा डाल देता हूँ, डमी डेटा लॉरम करके, ठीक है। तो ये इसका डेटा हो गया, ठीक है। अभी मैं थोड़ा ना काम करता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि एक एक ही व्यू में आ जाए। अब ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ, फिर इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों का डेटा आ गया। मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में मुझे इसको हाइड करके रखना है, ठीक है। एंड जब मैं इस पर होवर करूँ, जब मैं टेबल रो पे होवर करूँगा तब मुझे इसका डेटा शो होना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैं ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने क्लास बनाया है मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, विजिबिलिटी कोलैप्स करके, अब ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये गायब हो गया, अब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ तो मुझे इससे रिलेटेड कंटेंट ही शो होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा कंटेंट शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहला टेबल की क्लास ले लेते हैं, इसके थ्रू हम लोग टारगेट करेंगे। यहाँ पे मैं आया, ये मैंने डाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे TR.hover, पहले मैं ऐसे ही होवर शो कर रहा हूँ। एक तो डिफॉल्ट कलर ले लेते हैं अपन फिलहाल के लिए, ठीक है, ऐसे कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको एक क्लास दे देता हूँ, ये वाली क्लास दे देता हूँ कि जब मैं इस पे होवर करूँ, सॉरी इसको यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जब मैं ये वाली क्लास पे जब मैं होवर करूँगा तो ये कलर आ जाना चाहिए, फिलहाल के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कलर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका नेक्स्ट, इसके बाद जो TR आ रहा है मुझे उसको शो करना है, ठीक है। तो उसको शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डॉट और टेबल लिखता हूँ, ठीक है। TR.TableRow, इस टेबल रो पे जब मैं होवर करूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस ऑपरेटर। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इस पर होवर करूँगा तो इसके बाद वाला जो TR है, ठीक है, ध्यान देना, इसके बाद वाला जो TR है उसको मुझे विजिबल करना है, विजिबिलिटी विजिबल करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे मैं जिस पे भी होवर करूंगा उसके बाद वाला, उसके बाद वाला उसका नेक्स्ट सिबलिंग, उसके बाद वाला ही TR शो करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पे होवर किया, शो हो गया ये, ठीक है। अब मैंने इस पे होवर किया, ये शो हो गया। अब मैंने इस पे होवर किया, ये शो हो गया। तो ये कुछ काइंड ऑफ अकॉर्डियन जैसा हो गया है, ऑन होवर पे हम डेटा शो करवा रहे हैं, ठीक है। वन सेकेंड देख लो इसको, ये शो हो गया, ये शो हो गया और ये शो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियोस में इतना ही, बस बेसिकली पर्पस ये था बताने का कि हम टेबल में भी ये चीज़ अचीव कैसे कर सकते हैं। डेट्स इट।